ओके गुड लक, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे नाम से कोई मूवी का ट्रेलर आया है तो उस पर रिएक्शन करते हैं। खैर मुझको इस मूवी के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जब कोई एक्टर ना बहुत कम ऐसी मूवीज बनाता है ना, तो भाई बात तो होती है कुछ, क्योंकि इनकी मर्दानी पर्सनली मेरे को पसंद है, पार्ट टू तो स्पेशली। खैर उसको रिवॉच करेंगे, क्योंकि बीच में थोड़ा टीवी पे देख रहा था तो ब्रेक्स के बीच में काफ़ी इनकंसिस्टेंट हो गया था ऊपर नीचे जाके, लेकिन हाँ मुझे एक्टिंग काफ़ी पसंद आई थी। खैर इस पर रिएक्शन करते हैं। 3, 2, 1 আমি দেবী আর এ আমার হাজবেন্ড মিস্টার চ্যাটার্জি এ কাম করতা হ্যায় নরওয়ে মে বলে কে বরকতে নাই নাই এ মেরা দোনো বাচ্চা লোগ হ্যায় শো আর সুচি দেতি হ্যায় জিন্দগি ছোটি ছোটি খুশি আ চুনো ও শুভ শুভ হাম আপনা প্যারা কলকাতা ছোড় কে নরওয়ে মে আপনা নয়া দুনিয়া বানায়া আর উস দিন लोगों ने हमारा दुनिया छीन लिया। वेलफेयर नहीं ये पाया है कि आप अपने बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर पा रहे। What? आपके बच्चों की कस्टडी अब हमारे पास है? क्या बोल रहे? मेरा बच्चा ब्रेस्टफीडिंग पे है। प्लीज मेरा बच्चा वापस दे दो। Wilfred has picked up the children without informing the parents. This couple here have been investigated for 10 weeks. Cultural differences ko leke inhone to case bana diya aap pe. Bachcho ko haath se khana khilate ho, saath sulate ho, maathe pe tikke lagate ho. Woh inka to ye kehna hai ki Mrs. Chatterjee has an unstable mind. This court rejects Mrs. Chatterjee's petition. No. Both children will be wards of the state till they are 18 years old. बच्चों की आड़ में बिजनेस चला रहे हैं ये लोग। जितने बच्चे ये फॉस्टर सिस्टम में डालते हैं ना, उतने ही पैसे मिलते हैं सबको। दोनों बच्चा चाहिए। तुम्हें कोई आइडिया भी है इस मैटर से मेरे सिटीजनशिप एप्लीकेशन में क्या असर पड़ेगा? तुम्हें तुम्हारे सिटीजनशिप के अलावा और कुछ दिखता है क्या? मैं जानू मेरूं या रूहूं मैं जान। I don't need my children, sir. I die, sir, without my children. I die. ये फैमिली मैटर नहीं, ये देश का मैटर है। इनको लगता है कि हमारा भिखारी देश है, विद नो कल्चर। जिस जगह हमको न्याय मिलेगा, दुनिया का कोई भी जगह, वहाँ जाके हम लड़ूंगा। पूछो ये मौके दिल से। देविका जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम अच्छा माँ है, बुरा माँ है पता नहीं, पर माँ हूँ सर। ओ भाई साहब विजय इमोशनल नहीं तो मर्द है। ओके भाई साहब, हाँ देखो इस माँ वाले टेक पे भी मेरा एक टेक है, जहाँ पे मैं बात मानता हूँ कि भाई इंडियन पेरेंट्स स्पेशली माँ अपने बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अटैच होती है, ओवरली अटैच होती है। मैं आज भी ये बात फील करता हूँ, मतलब कि कुछ भी काम करने जा रहा हूँ, कहीं रहने जा रहा हूँ, या फिर ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा वो फील होता है आपको कि हाँ वो इमोशंस आपको फील होते हैं अपनी माँ की तरफ से। लेकिन फिर वही बात आता है, ऐसी कोई बात नहीं यार, इंडियन पेरेंट्स आर द बेस्ट। क्योंकि हाँ सबको ऐसी किस्मत नहीं हो पाती, लेकिन ये भी मैं सोचता हूँ कि क्योंकि अगर बेमतलब से अगर आपको कोई प्यार करता है तो वो आपके माँ बाप है, उसके बाद तो भाई सब आपको मतलब से प्यार करते हैं। तो जब तक ये मोमेंट है अपने पास तो उसको चेरिश करें, क्योंकि कभी कभी फील होता है कि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं। ओह माय गॉड, जितना अपन इसे नहीं फॉरेन का देख के लगता है कि हाँ बच्चे इतना इंडिपेंडेंट हैं, बाहर ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो एक्चुअली में लोगों के पास टाइम होता है ग्रो करने का, ऐसी बात नहीं। और अगर नहीं भी हो पाए तो इस जंग में लड़ते लड़ते हो वलहला नसीब हो जाएगा। खैर लेकिन हाँ, जब तक ये मोमेंट है उसे चेरिश करें। एंड अपने यहाँ जितनी चीज़ें नॉर्मल है यार, बाहर में तो उसे इलीगल मान लिया जाता है। इसीलिए आई थिंक बैक्टीरिया भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्ड होती है। खैर मैं उसमें ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं पता, लेकिन हाँ ये कैसी मूवीज़ में से एक है जिनके साथ मैं फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहूँगा, और देखने के बाद तकलीफ़ भी काफ़ी होगी।
वो बागबान टाइप तकलीफ नहीं होगी लेकिन तकलीफ होगी। खैर समय निकाल के आराम से देखेंगे इसे, क्योंकि दर्द होगा देखने के बाद। रानी मुखर्जी बड़ा चुन के मूवीज करती है लेकिन काफ़ी टॉप मूवीज है। क्या मेरा भी था सपना नॉर्वे जाने का, देखते क्या है। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।